प्रधानाध्यापिका की मनमानी रवैया से ग्रामीण परेशान। मामला लखीमपुर खीरी के ब्लॉक नकहा की ग्राम पंचायत कालिका पुरवा का है। ये किस्मत निशा ने अपनी पुत्री की टीसी के लिए आवेदन किया था। प्रधानाध्यापिका ने टीसी किस्मतुन निशा को न देकर ग्राम पंचायत के अकबर नामक व्यक्ति को दे दिया। प्रधानाध्यापिका को ये तक पता नहीं है कि वह युवक इस लड़की की टीसी को कहीं भी दुरुपयोग कर सकता है। इसके बारे में जब पत्रकार ने पता करना चाहा तो प्रधानाध्यापिका ने रौब जमाते हुए पत्रकार से कहा, तुम कौन हो जो इसके बारे में तुम्हें सूचना दे, और तुमको स्कूल में आने की परमिशन किससे मिली? पहले स्कूल में घुसने की परमिशन लेकर आओ। किस्मतुन निशा को डर है कि कहीं उनकी पुत्री की टीसी गलत जगह इस्तेमाल न कर दे। अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने वाली शिक्षिका पर देखते हैं क्या कार्यवाही होगी। बालिका की माँ को टीसी देने के बजाय अकबर को क्यों दे दिया? आखिर कौन सा षड्यंत्र रचा है प्रधानाध्यापिका ने? यही तो मेरी गलती हो गई है, पर उस गलती को हम मानते हैं। कल भी हमने एक्सेप्ट किया था, आज भी हम आपको बता रहे हैं। और हमने इनसे कहा था आज एप्लीकेशन दे देना, कल हम टीसी बना दें, क्योंकि आज 3 बजे तक पेपर रहेगा। वो एप्लीकेशन लेकर आई, हमने कहा पेपर हो जाए फिर हम लेते हैं। ये आकर सीधे बच्चों की खाने की सबकी फ़ोटो लेने लगे, और 1 महीने के लिए नहीं, नहीं नहीं सर उसकी नहीं। हमने कहा हम आपसे बात कर लें, फिर ये जो फ़ोटो चाहें खींच लें, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। और ये 1 महीने वाली बात कह रहे हैं, ये गलत है। और टीसी और मार्कशीट लेने नहीं आई ना, 1 महीना हुआ, ये 1 हफ्ते का केस है। पुलिस पुलिस को चाहिए थी नाबालिग लड़की की ये शादी कर रहे हैं, ये केस उनका है। जी 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 नहीं सर, हमने टीसी मार्कशीट किसी को नहीं दी। जननीत प्रधान जी ने हमसे ये कह कर लिया कि शादी अनुदान फॉर्म भरेंगे, तो सर आधार वगैरह प्रमाण करने के लिए ये आदान प्रदान प्रधान के द्वारा होता रहता है, तो वही समझ के हमने प्रधान जी को ही दी और किसी को नहीं दी थी, वो स्वयं ले गए थे। जी जी जी